सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग, होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइस आज फिर से मैं आप लोग के लिए एक धमाकेदार कंपैरिजन वीडियो लेके आ चुका हूँ भाई। तो आज की जो मैं दो बाइक्स कंपेयर करने वाला हूँ भाई, वो दोनों ही अपने इंडियन ब्रांड्स की बाइक है। तो जी हाँ, मैं और कोई बाइक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक तरफ है भाई हीरो की एक्सट्रीम 160R4V और दूसरी तरफ है भाई टीवीएस की अपाची RTR 164V। तो इन दोनों बाइक्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था भाई, इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन किया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा दोनों में से कौन सी बाइक जो है ज़्यादा बेटर है, दोनों में से किसको कौन सी लेनी चाहिए, किसको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए भाई ज़्यादा लेट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं, जो सबसे मेन चीज़ है। तो यहाँ एक्सट्रीम 160R 4V में टोटल आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे और RTR 164V में टोटल आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो सबसे टॉप वेरिएंट है वो कंपेयर करेंगे, और बाकी अगर आपको दोनों बाइक्स का अगर एकदम डिटेल्ड रिव्यू जानना है और टॉप स्पीड टेस्ट सब कुछ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो में, तो एक्सट्रीम 160R 4V का जो सबसे टॉप वेरिएंट है वो आपको करीब 1,64,000 का देखने को मिल जाता है। वहीं पे RTR 164V का जो स्पेशल एडिशन है, जो इसका सबसे टॉप वेरिएंट है, वो आपको 1,65,000 का देखने को मिल जाता है। तो आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं, लगभग 1,000 या आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं सिमिलरली जो टॉप वेरिएंट दोनों आ जाती है भाई। तो और ये प्राइस जो है मैं वो ऑन रोड वाराणसी की बता रहा हूँ, प्राइस जो है भाई वो वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ एंड स्टेट्स में। तो अब जो है आप दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए, न्यूट्रल कर दिया हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर है, बट हाँ RTR 160 का जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेसी आपको फील होगा एग्जॉस्ट नोट। वहीं दोनों बाइक का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, दोनों ही जो प्रॉपर एकदम नेकेड डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, नेकेड लुक्स में आती है। और अब बात करते हैं भाई स्पेसिफिकेशंस की। एक्सट्रीम 160R 4V में LED DRLs आपको देखने को मिल जाते हैं, LED हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं, और इसमें आपको LED इंडिकेटर विथ हैजार्ड फ्लैशर प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है भाई। वहीं पे RTR 164V में भी फ्रंट में आपको LED हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं, LED DRLs देखने को मिल जाते हैं, बट इसमें जो है आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, कोई भी LED इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता, और ना ही इसमें कोई आपको हैजार्ड फ्लैशर देखने को मिल जाता है भाई। तो नीचे यहाँ पे एक्सट्रीम 160R 4V में जो इसका सबसे टॉप वेरियंट है, इसमें आपको भाई फ्रंट में UHD सस्पेंशन मिलते हैं KYB के, जिसकी क्वालिटी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और वहीं पर RTR 164V में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं भाई, इसके टॉप वेरिएंट में भी जो अभी आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें कोई भी आपको UHD सस्पेंशन देखने को नहीं मिलता, और रेयर में दोनों ही बाइक में जो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। दोनों बाइक जैसा कि मैंने पर्सनली चलाई है, तो दोनों का जो सस्पेंशन सेटअप है वो इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, गड्ढों में जाती है बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा। काफ़ी ज़्यादा जो इसका दोनों का सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड पर, तो आराम से निकल जाती है, आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। फिर आते हैं भाई नीचे, तो दोनों ही बाइक में फ्रंट और रेयर दोनों में ही 17 इंचेस के आपको अलॉयस देखने को मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स। टायर साइज़ की बात की जाए, तो एक्सट्रीम में आपको फ्रंट में 100x80 और रेयर में 130x70 का रेडियल टायर देखने को मिल जाता है। वहीं पे RTR में भी आपको फ्रंट में 90x90 और रेयर में भाई 130x70 का रेडियल टायर देखने को मिल जाता है। दोनों का टायर जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है आप देख सकते हैं, तो आप लीन करते हैं, कॉर्नर करते हैं भाई, वेट रोड्स पर जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिल जाएगा। ब्रेकिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे एक्सट्रीम में आपको फ्रंट में 276mm का डिस्क, रेयर में 220mm का डिस्क देखने को मिल जाता है। वहीं पे RTR में 270mm का डिस्क फ्रंट में और रियर में 200mm का आपको डिस्क देखने को मिलता है। और दोनों बाइक जो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, और दोनों बाइक की ब्रेकिंग कमाल की है, जस्ट आप एक फिंगर से टैप करते हैं दोनों बाइक हाई स्पीड से एकदम डाउन हो जाती है, आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो दोनों ही मैंने पर्सनली चलाई है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है भाई दोनों बाइक्स की। यहाँ पे दोनों को मैं इक्वल पॉइंट्स देना चाहूँगा ब्रेकिंग में, और दोनों ही में आपको फ्रंट में पेट्रोल डिस्क देखने को मिल जाता है। अब फ्यूल टैंक की बात की जाए, तो यहाँ पे दोनों ही बाइक में आपको करीब 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और दोनों ही बाइक जो करीब आप कह सकते हैं 35 से 40 KMPL का माइलेज दे देंगी। और माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग कंडीशन पे भी, अगर आप बाइक को थोड़ा आराम से चलाते हैं तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी आप माइलेज आपको मिल सकता है भाई। तो देख सकते हैं भाई 160cc के हिसाब से आपको एक डिसेंट माइलेज भी देखने को मिल जाता है।
मीटर दोनों ही बाइक में जो फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। एक्सट्रीम का मीटर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फुल्ली लोडेड इन्फॉर्मेशन मिलता है दोनों के मीटर में। भाई एक्सट्रीम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको RPM रेंज, स्पीडो मीटर, ओडो मीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, मतलब मोस्टली आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है भाई। और वहीं RTR 164V में भी आप देख सकते हैं आपको फुल्ली डिजिटल मीटर भाई, वही सब इन्फॉर्मेशन, प्लस यहाँ पर टॉप स्पीड रिकॉर्डर और मतलब थोड़ी सी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है एक्सट्रीम से यहाँ पे। और इनफैक्ट यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं भाई, रेन, स्पोर्ट और अर्बन। और बेसिकली बहुत ज़्यादा देखिए पावर तो है नहीं कि आपको भाई, ऐसा नहीं है कि भाई 600 या 1000 सीसी की बाइक आपको राइडिंग मोड्स की ज़रूरत पड़े, आप मोस्टली स्पोर्ट्स मोड में ही चलने वाले हैं तो डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको राइडिंग मोड चाहिए तो हाँ मिल जाते हैं भाई RTR में, जो एक्सट्रीम में नहीं मिलते। दोनों ही बाइक जो इसका टॉप वेरिएंट जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, तो अपना फ़ोन जो है आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ये फीचर आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाता है। और अब आते हैं गाइस सबसे मेन चीज़ की तरफ, इंजन। एक्सट्रीम में आपको 163.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve का ऑयल कूल्ड 5-speed गियरबॉक्स का FI इंजन देखने को मिल जाता है, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है करीब 16.6 BHP की 8500 RPM पे, टॉर्क जनरेट करता है 14.6 Nm का 6500 RPM पे, और 145 किलो के कब वेट के साथ आती है, तो पावर टू वेट रेशियो इसका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है आप देख सकते हैं। अगर RTR में आपको 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve का ऑयल कूल्ड 5-speed गियरबॉक्स FI इंजन देखने को मिलता है, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है भाई 17.3 BHP की 9250 RPM पे, टॉर्क जनरेट करता है करीब 14.7 न्यूटन मीटर का 7250 RPM पे। कर्व वेट है इसका भाई जो स्पेशल एडिशन का है वो 146 किलो का कर्व वेट के साथ आती है, तो पावर टू वेट रेशियो इसका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और दोनों ही इंजन जो है भाई आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन 160 सीसी सेगमेंट में देखते हैं, जैसा कि 4-valve इंजन है दोनों का। तो लेकिन ये है कि आप RPM रेंज देख सकते हैं RTR का थोड़ा सा ज़्यादा है एक्सट्रीम से, तो जो रेड लाइन करने का मज़ा है ना वो RTR में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि जो एक इनिशियल पंच है जो 0-60 है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम 160R में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है RTR के मुकाबले, बट हाँ अगर आप पूरा टॉप एंड तक जाते हैं तो डेफिनेटली RTR 160 जो एक्सट्रीम को बीट कर देगी। दोनों की अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो एक्सट्रीम जो है करीब 125 से 128 किलोमीटर पर आर की जो टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, वहीं पे RTR भी करीब 130 कभी कभी 130 के ऊपर भी चल जाती है। तो डिपेंड करता है भाई आप किस कंडीशन में बाइक को चला रहे हैं, टॉप स्पीड भी और राइडर का बॉडी वेट सब कुछ, दोनों बाइक्स का आपको टॉप स्पीड भी मेरे चैनल मिल जाएगा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं भाई। तो डेफिनेटली टॉप एंड में RTR कहीं ना कहीं एक्सट्रीम को बीट कर देती है भाई, RTR जो है काफ़ी बढ़िया रेड लाइन होती है। और तो अगर दोनों इंजन के रिफाइनमेंट की बात की जाए तो दोनों के इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, बट हाँ एक्सट्रीम का इंजन जो है थोड़ा सा और बेटर रिफाइंड है RTR से। एक्सट्रीम जो है करीब आप कह सकते हैं लगभग 10,000 RPM तक जो है रेड लाइन होती है, और 8,000 RPM के बाद जो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलता है एक्सट्रीम में, वहीं RTR में भी 7,000-8,000 RPM के बाद जो है आपको थोड़ा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलता है, और ये जो है करीब भाई 11,000 से 12,000 RPM तक रेड लाइन होती है, तो बहुत मतलब। और RTR 164V का जो गियर रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉल है एक्सट्रीम से अगर मैं देखता हूँ तो। और फिर से मैं बता रहा हूँ गाइस दोनों बाइक का आपको जो है गियर चैलेंज भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और तो ये तो रहा भाई इंजन, और ये रहा स्पेसिफिकेशंस बाइक का दोनों बाइक से। अब बात करते हैं दोनों में से किसकी हैंडलिंग ज़्यादा बेटर है, कंफर्ट किस में आपको ज़्यादा बेटर मिलता है, ब्रेकिंग किसकी ज़्यादा बेटर है। तो गाइस अगर राइडिंग पोस्चर की मैं बात करता हूँ तो दोनों बाइक्स में आप एकदम अपराइट पोस्चर आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा 5-10% जो है स्पोर्टियर स्टैंड भी आपको रहेगा, जिससे आपको एक स्पोर्ट्स बाइक वाली फील भी दोनों बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। और सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स जो है RTR 164V की जो है सिंगल सीट आपको देखने को मिलती है, चाहे सीट जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड, काफ़ी ज़्यादा वेल कुशनड है। वहीं पे एक्सट्रीम 160R 4V का जो ये आप टॉप वेरिएंट देख रहे हैं, इसमें आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिलती हैं, इसकी सीट्स जो थोड़ी सी हार्ड है और थोड़ा कॉम्पैक्ट है। तो कम्फर्ट के मामले से अगर देखा जाए तो RTR में आप ज़्यादा कंफर्ट देख पाएंगे, और भाई मतलब अगर आपको फैमिली को लेकर ट्रैवल करना है तो RTR 164V में आप ज़्यादा बेटर वो चीज़ कर सकते हैं भाई, मतलब कंफर्ट आपको ज़्यादा बेटर RTR में देखने को मिलता है।
पावर जैसा कि मैंने कहा इनिशियल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है एक्सट्रीम का, बट हाँ टॉप एंड में जो है RTR काफ़ी बढ़िया शाइन करती है भाई। बिल्ड क्वालिटी दोनों बाइक्स की आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग दोनों बाइक की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। और हैंडलिंग की बात की जाए सिटी में दोनों बाइक्स को आप काफ़ी ईजिली मनूवर कर सकते हैं, सिटी का जो ट्रैफिक है उसको आराम से दोनों बाइक से फिल्टर कर सकते हैं। दोनों ही बाइक से आप काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको देती है भाई। तो गाइज दोनों ही बाइक जो है मैं कहूँगा अपनी अपनी जगह एकदम बेस्ट हैं भाई। एक्सट्रीम में थोड़ा सा आपको बेटर रिफाइनमेंट देखने को मिल जाता है RTR के मुकाबले, बट हाँ RTR का जो रेड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, गियर रेशियो काफ़ी ज़्यादा आपको टॉल देखने को मिलता है। तो दोनों बाइक की अपनी अपनी कुछ खासियत है और दोनों बाइक जो है मैं कहूँगा बेस्ट है। दोनों अच्छी बात है कि भाई दोनों अपना इंडियन ब्रांड है। तो गाइस अब फाइनली बात करते हैं दोनों में से किसको कौन सी लेनी चाहिए किसको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं अगर आपको इनिशियल पंच और इनिशियल मिड रेंज काफ़ी अच्छा चाहिए और सिटी में आपको एकदम कॉम्पैक्ट सी बाइक चाहिए जो एकदम ट्रैफिक को एकदम आराम से फिल्टर करना है, तो डेफिनेटली एक्सट्रीम 160R4 भी आपके लिए थोड़ा सा बेटर ऑप्शन रहेगी। वहीं पर आपको थोड़ा सा कम्यूटिंग वाला भी एक स्पेस चाहिए आपको बाइक में, थोड़ा सा अगर आप फैमिली को लेकर ट्रैवल करते हैं लॉन्ग राइड्स करते हैं तो यहाँ पे आपको RTR 160 में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। और एक्सट्रीम का इंजन जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रिफाइंड है RTR से। तो लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको टॉप एंड ज़्यादा जाना है, टॉप एंड आप बार बार ज़्यादा जाते हैं तो RTR आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। तो बस इस कंपैरिजन करते हैं यहीं पे एंड। भाई होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो का चैनल पर नए तो चैनल कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।